नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बिहार में मोकामा बीडीओ का एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। बीडीओ का यह लेटर एनआरसी और एनपीआर से संबंधित है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। दरअसल बीडीओ ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से दो टीचर्स की प्रतिनियुक्ति नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। पत्र में बीडीओ ने एनआरसी शब्द का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि किसी खास दल से प्रभावित होने के कारण प्रिंसिपल टीचर्स की लिस्ट नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। इस पत्र के वायरल होने के बाद सूबे के विपक्षी दल अब नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा, यहां तक कि दक्षिणपंथी लेखक भी सीएआर के बचाव में एनआरसी के बारे में बात करने से डरते हैं, लेकिन सीएम नीतीश, जिन्होंने कभी खुद को समाजवादी और गांधीवादी घोषित किया था, ने एनआरसी की अन्यायपूर्ण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। भारत को पत्र से इस सांप्रदायिक और विभाजनकारी छलावरण को देखना चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, एनआरसी एनपीआर और नीतीश कुमार का सफेद झूठ पकड़ा गया। बिहार में एनआरसी एनपीआर का काम शुरू हो चुका है। अधिकारी की चिट्ठी ने राज खोला है। अभी एनपीआर का कार्य किसी भी प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में एनआरसी की प्रक्रिया नीतीश ने शुरू कर दी। अब आपको तय करना है असली संघी कौन है। राजद ने ट्विटर पर लिखा, एनआरसी एनपीआर मुद्दे पर नीतीश कुमार तो मोदी शाह से भी आगे निकल गए। पीएम कहते हैं एनआरसी पर चर्चा ही नहीं हुई और आप आदेश जारी करवा दिए। ऊपर से प्रचारियों पर राजनीतिक दल से मिलीभगत का आरोप लगवाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। आप बड़ के पलटू हैं या फिर से साबित हुआ, क्या कुर्सी खातिर कुछ भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो भाजपा से भी आगे निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एनआरसी पर अभी चर्चा ही नहीं हुई है और आप आदेश जारी करवा दिए। ऊपर से प्रचारियों पर राजनीतिक दल से मिली भगत का आरोप, आप झूठे और पलटू हैं, फिर से साबित हुआ, कुर्सी खातिर कुछ भी करेंगे, वाह। बता दें कि मोकामा के बीडीओ ने एनआरसी को लेकर 28 जनवरी को पत्र जारी किया था। बीडीओ सतीश कुमार ने अपने प्रखंड के 3 स्कूलों के प्रिंसिपलों के नाम से यह पत्र लिखा था। इस पत्र को रिमाइंडर पत्र के तौर पर जारी किया गया था, जिसमें बीडीओ ने एनआरसी के काम के लिए हर स्कूल से 2-2 टीचर्स के नाम मांगे थे। हालांकि बाद में इस पत्र को रद्द कर दिया गया था। हालांकि पत्र वायरल होने के बाद बीडीओ ने पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मानवीय भूल के कारण एनआरसी शब्द लिखा गया। बीडीओ ने बताया कि टाइपिंग भूल के कारण एनआरसी शब्द का जिक्र पत्र में हो गया था। उन्होंने बताया कि उसी दिन इस संबंध में भूल सुधार पत्र जारी कर दिया गया था। दरअसल फील्ड ट्रेनर के लिए 2 टीचर्स की मांग की गई थी। जनगणना 2021 के मकान सूचीकरण एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतीकरण के प्रशिक्षण हेतु फील्ड ट्रेनर्स की मांग की गई थी। तो जिस लेटर के माध्यम से शिक्षकों की सूची मांगी गई, उस लेटर में टंकन एवं मानवीय भूल के चलते एनपीआर के जगह पर एनआरसी लिख दिया गया। और जैसे ही उस लेटर के बारे में मुझे पता चला, तत्काल हमने उस लेटर को निरस्त किया और उस लेटर को निरस्त करते हुए एक दूसरा लेटर निकाला जो टाइपिंग एरर के लिए जो व्यक्ति जिम्मेवार हैं, जो कार्यपालक सहायक जिम्मेवार हैं, कार्यालयक सहायक जिम्मेवार हैं, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है और पत्र जारी होने के तत्काल बाद ही उक्त पत्र को रद्द कर दिया गया था। तो एनआरसी का कोई प्रस्ताव नहीं है ना सर अभी तक? इसमें ये जनगणना से संबंधित कार्य है, इसमें एनआरसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो बिल्कुल टाइपिंग एरर और मानवीय भूल है,